हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल सो माय नेम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोपन कोड डिस्काउंट कोड कैसे आप एक वो कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगा सकते हैं आज हम देखेंगे कि जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपको कहाँ पे रिसीव होगा यहाँ लेफ्ट साइड पे आप आएं तो आप यहाँ देखें वो कॉमर्स नजर आ रहा है आपको वो कॉमर्स के अंदर जो है ना ये आपको ऑर्डर्स का एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा इस ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको बहुत सारे ऑर्डर शो हो रहे होंगे तो इस तरीके से भी आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना तो वो आपको तीन जगह पे नज़र आएगा एक तो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर लॉगिन है तो आपको इस सॉफ्टवेयर पे वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर की जगह पे नजर आएगा सेकंड आपको ने जो वेबसाइट के साथ ईमेल अटैच की होगी उस ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है थर्ड वन इज़ अगर आपने वू कॉमर्स की ऐप को इंस्टॉल किया है वो कॉमर्स है इस इनकी एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड में भी है और आईओएस में भी है अगर आपने ये इंस्टॉल की हुई अपने पास और उसको आपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है तो तब भी आपको ऑर्डर मोबाइल पे भी आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आइए इसको हम गो थ्रू करते हैं कि ये सारे स्टैट्स जो इसके ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं ये क्या है सबसे पहले ये ऑल का सेक्शन है जितने भी आपके ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे और यहाँ पे आपकी क्या एक लिस्ट बनती जाएगी उसके बाद यहाँ पे आगे एक प्रोसेसिंग आ रहा है प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपका ये ऑर्डर अभी प्रोसेस में चल रहे हैं उसके बाद ऑन होल्ड आ रहे हैं ऑन होल्ड कौन से होते हैं ऑन होल्ड ऑर्डर वो होते हैं जो जिसमें कस्टमर ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया होता है लेकिन पेमेंट जो है ना वो अभी पेंडिंग पे होती है जब तक तो वो पेमेंट क्लियर नहीं करता आप उसको ऑन होल्ड रख देते हैं उसके बाद जो ऑर्डर कस्टमर को रिसीव हो जाए तो उसको आप कंप्लीटेड में ऐड कर देते हैं तो ये डिफरेंट यहाँ पे जो है ना सेक्शन बने हुए हैं ताकि आपको जब ये ऑर्डर लिस्ट आपकी बढ़ती जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसके बाद कोई ऑर्डर कैंसिल आप करते हैं या कस्टमर खुद करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल के टैब में ऐड होता जाएगा उसके बाद कोई ऑर्डर रिफ़ंड होता है तो वो ऑर्डर रिफ़ंड के सेक्शन में चला जाएगा उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट नज़र आ रही है ये कस्टमर का नेम के साथ आपको एक यूनिक आईडी शो होगी हर ऑर्डर के साथ ठीक है ये जो आईडी होगी ना इससे आपको इजीली एक्सेप्ट जज कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर का कौन सा ऑर्डर है और यही आईडी जो है ना कस्टमर के पास भी हुआ करेगी जब वो ऑर्डर को प्लेस करेगा उसके बाद यहाँ डेट आ रही है कि कौन सा ऑर्डर किस डेट में हुआ है उसके बाद यहाँ स्टेटस आ रहा है कि कौन सा ऑर्डर कंप्लीट है कौन सा रिफ़ंड है कौन सा कैंसिल हुआ है और लास्ट में जो होगा वो ऑर्डर की प्राइस वगैरह आ रही होगी इसी तरह अगर हम किसी ऑर्डर की डिटेल में क्लिक करें जैसे ये एक ऑर्डर है इसको हम क्लिक करते हैं जो प्रोसेसिंग में है सेकेंड वाला इस पर देखें तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑर्डर आई नज़र आ रही होगी ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड शो हो रहा है कि कस्टमर ने कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ किया है ऑर्डर प्लेस करते हुए ठीक है उसके बाद उस कस्टमर की आईपी शो हो रही होगी अगर वो लैपटॉप से ऑर्डर कर रहा है तो उस लैपटॉप की आईपी आपके पास आएगी और अगर वो मोबाइल से ऑर्डर कर रहा है तो मोबाइल की आई आपको शो होगी उसके बाद नीचे आएँ तो ये जर्नल टैप है जर्नल टैप के अंदर ये डेट आ रही है कि कस्टमर ने ऑर्डर किस डेट को किया है और क्या टाइम क्या टाइम क्या था जब कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसके बाद ये स्टेटस आ रहा है ठीक है जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग पे चला जाता है अगर ये कस्टमर को आपने ऑर्डर रिसीव कर दिया है उसको सेंड कर दिया है तो आप यहाँ से प्रोसेसिंग की बजाय आप कंप्लीटेड कर सकते हैं कंप्लीट करके ना आप अपडेट करेंगे तो आपके जो बैक एंड पे जो है ना वो ये ए प्रोडक्ट कंप्लीटेड शो हो रहा होगा उसके बाद नीचे आए तो ये कस्टमर की जो है ना ये डिटेल आ रही है पूरी ये उसकी प्रोफाइल अगर कस्टमर ने आपके पास अकाउंट बनाया होगा लॉग इन का रजिस्टर रजिस्टर हुआ हुआ होगा ना तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आएगी अदरवाइज़ यहाँ पे गेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा उसके बाद यहाँ पे बिलिंग डे डिटेल आ रही है जो कस्टमर ने चेक आउट करते हुए फिल की थी ठीक है ये उसकी डिटेल आ रही है यहाँ पे सारी ये ई मेल है और ये इसका मोबाइल नंबर है इसी तरह ये शिपिंग की डिटेल भी कस्टमर अगर ऐड करना चाहे तो कर सकता है उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे वो आइटम आ रहा है जो कस्टमर ने ऑर्डर किया हैं अगर आपको इस स्क्रीन से पता नहीं चलता कि ये ऑर्डर कौन सा है तो आप जो है इस पर राइट क्लिक करके इसको ने, नेक्स्ट टैब में ओपन कर लें ओपन करने के बाद आप जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं ये प्रोडक्ट कौन सा है ताकि आप कस्टमर को वो सेंड कर दें ये देखेंगे डिटेल शो होगी है ठीक है यहाँ से आप टाइटल पता चल रहा है और यहाँ से आपको इमेजेस वग़ैरह शो हो रही हैं तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं ये प्रोडक्ट कौन सा है उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे वो बिल्कुल क्वांटिटी आएगी कितनी क्वांटिटी बाय की है टोटल प्राइस कितनी है और अगर आपने कोई और कंडीशन लगाई हुई है शिपिंग चार्जेस लगाए हैं तो आपको यहाँ पर शिपिंग चार्जेस शो होंगे अगर आपने कोपन कोड लगाया है तो वो कॉपन कोड के साथ डिस्काउंट रेट या सारा कुछ आपको जो है ना इस इस टैब के अंदर इस सेक्शन के अंदर आपको सारी डिटेल शो होगी उसके बाद राइट right साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे जो कुछ ऑर्डर सेक्शन है अब ये ऑर्डर सेक्शन क्या है अब ये स्पोज करें कि आप ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग पे है या कैंसिल हो चुका है तो आप यहाँ से जो है ना वो इनको कस्टमर को जो है ना कोई भी ईमेल मेल रख के ई आप कस्टमर को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में ही है या अभी वो कैंसिल हो गया तो इस ऑर्डर सेक्शन से आप एक्शन ले सकते हैं उसके बाद ये यहाँ पे जो है ना आपको कुछ प्राइवेट मैसेज नोट्स ऑर्डर नोट शो हो रहे होंगे ये भी आप कस्टमर को भेजना भेजना चाहें यहाँ से कोई भी चीज़ आप लिख के जो है ना वो नोट टू कस्टमर ठीक है इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे और यहाँ से आप ई सेंड करेंगे तो ये कस्टमर तक पहुँच जाएगा आपके ई तो इस तरीके से आप जो है ना ऑर्डर को मैनेज करते हैं ये आपको मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ बताया है अगर आप इनकी वो कॉमर्स की ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं आपको यही ऑर्डर शो होगा पेमेंट मेथड भी यही शो हो रहा होगा और ये सारा कुछ होगा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर सपोज करें कस्टमर ने आपके से ये ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है ठीक है या फिर ये ऑर्डर जो है ना आपके पास स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है तो आप कस्टमर को पेमेंट रिफ़ंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे रिफंड वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है ना आपको वसूल होती रहा करें थैंक यू फॉर वॉचिंग